अभी अभी हादसे का शिकार होने से बचे साफ अली खान, आदि पुरुष के सेट पर लगी भयंकर आग। जी हां, गोरेगांव फिल्म स्टूडियो में आग लगने की खबर हाल ही में सामने आई है। आग लगने की वजह से हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बता दें कि इस हादसे की वीडियो भी सामने आई है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये आग कितनी ज्यादा भीषण और गंभीर होगी। गोरेगांव के बांगो नगर के जिस फिल्म स्टूडियो में आग लगी है उससे कुछ ही घंटे पहले वहां पर बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष का मुहूर्त किया गया था और इस मुहूर्त के दौरान एक्टर सैफ अली खान इस सेट पर मौजूद थे। बता दें कि फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग इसी स्टूडियो से की जाने वाली थी। इस फिल्म पर सैफ अली खान के साथ बाहुबली फेम प्रभास भी लीड एक्टर के तौर पर नजर आएंगे। बांगो नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि कुछ ही घंटे पहले सैफ अली खान इस फिल्म के मुहूर्त में उस स्टूडियो पर पहुंचे थे। फिलहाल आग कैसी लगी है तो आपको बता दें कि आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है और ये आग इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि ये पूरा सेट जल कर खाक हो गया। बता दें कि आदि पुरुष की अगर बात की जाए तो इसका निर्देशन इसके डायरेक्टर है ओम राउत कर रहे हैं। फिल्म के कास्ट में प्रभास लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे, वहीं सैफ अली खान फिल्म में नेगेटिव शेड में नजर आएंगे। फिल्म में अपने खतरनाक लुक की वजह से सैफ अली खान पहले से ही चर्चा में है। फिल्म 14 अगस्त 2022 को रिलीज की जाएगी। बता दें कि सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव भी इन दिनों काफी ज्यादा विवादों में फंसी हुई है जिसके चलते सैफ अली खान पर टूट चुका है मुसीबतों का पहाड़। एक तरफ उनकी वेब सीरीज तांडव रिलीज होने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ उनकी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के सेट पर लग गई भयंकर आग। नेक्स्ट नाइन लाइफ से रश्मि की रिपोर्ट।